इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में आज भी कई जगह पड़े छापे। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा, संदिग्ध जहां भी होंगे पकड़े जाएंगे। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। यूपी एटीएस दोनों को रिमांड में लेगी। दोनों के पास से विस्फोटक, प्रेशर कुकर और हथियार हुए हैं बरामद। यूपी में अलकायदा से जुड़े दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद एमपी में भी रेड अलर्ट घोषित। ऑल अलकायदा और सिमी के संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेड अलर्ट का किया ऐलान। कहा, डीजीपी को दिए हैं जरूरी आदेश। जम्मू में हथियारों की तस्करी कर ले जा रहा एक ट्रक सीज किया गया। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली में पानी की किल्लत पर तेज हुई सियासत। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मंत्री सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन काटने पहुंची बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मीटिंग में प्रियंका गांधी ने कहा, पंचायत चुनावों में खुलेआम हुई हिंसा, इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए बम, पत्थर और गोलियां। महाराष्ट्र के महागाड़ी गठबंधन में बड़ा तनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी पर जासूसी कराने का गंभीर आरोप। नाना पटोले ने कहा, राज्य की खुफिया विभाग के जरिए रखी जा रही है कांग्रेस पर नजर। कहा, अब हमें पिंजरे में डालने की कोशिश होगी। लोनावला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पटोले, रात 3 बजे की मीटिंग की भी महाराष्ट्र के सीएम को रहती है खबर। पटोले का दावा, उद्धव ठाकरे के पैरों तले की बालू खिसक रही है। यूपी में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजभर की विधानसभा जहूराबाद में लोगों ने पुतला भी फूंका। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के साथ गठबंधन से नाराज हैं गाजीपुर के जहूराबाद की जनता। राजभर समाज को छलने का लगाया आरोप। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने की वादों की बौछार। 10 लाख नौकरियां और सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। पोस्टर में लिखा स्लोगन, पूरे किए थे वादे अब नए इरादे। कोरोना की वजह से बंद यूपी के सीएम योगी का जनता दरबार फिर शुरू। लखनऊ में सुनी लोगों की समस्याएं। सुबह 9 से 10 बजे तक चला योगी का जनता दरबार। लोगों की परेशानी सुनने के बाद दिए तत्काल हल करने के निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश का भी जनता दरबार 5 साल बाद शुरू हुआ। हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जनता की फरियाद सुनेंगे। नीतीश कुमार के जनता दरबार के पहले दिन भारी भीड़ नजर आई। लोगों की लंबी कतारें दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सुपरस्टार रजनीकांत ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। का भविष्य में फिर पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान नहीं। रजनीकांत ने रजनी मक्कल मंदिरम को किया भंग। कहा, उनका संगठन अब रजनी रसीगर नरपानी मंदिराम के नाम से जनता की भलाई का करेगा काम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोंकण में तेज बारिश है। राजपुरा में नदी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद रत्नागिरी के कई इलाकों में भरा पानी। पानी में डूबे कई वहां की सड़कें। बोट से लोगों का किया गया रेस्क्यू। पहाड़ी राज्यों पर भारी बारिश ने नहाया कहर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से तबाह। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां बहीं। घरों और होटल्स को पहुंचा नुकसान। धर्मशाला में तेज सैलाब के कारण नदी किनारे कई मकानों को खतरा। मकानों को खाली किया गया। तेज बारिश के बाद उफान पर मांझी नदी। नदी किनारे बनी 10 दुकानें बहीं। हिमाचल के कांगड़ा जिले में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। पूरे इलाके में जबरदस्त बारिश। कुल्लू में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। मलबे में दबी कार क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। रामपुर में तेज बारिश के बाद सड़क बही। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी भारी बारिश ने कहर ढाया कई घर तबाह। जम्मू में भी बारिश के बाद कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे। गांधीनगर में सड़कें डूबी। जम्मू में भारी बारिश के चलते घर की दीवार ढह गई। जम्मू के डोडा में सैलाब के बाद आए मलबे में बही कार। कार सवार लोगों की जान बाल बाल बची। डोडा में भारी बारिश से घर की दीवार गिरी। घर में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड। हाईवे पर मलबा भरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली ने ढाया कहर। तीनों राज्यों में करीब 70 लोगों ने जान गंवाई कई झुलसे। जयपुर के आमेर फोर्ट पर बिजली गिरने की तस्वीर सामने आई। आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। जयपुर के आमेर फोर्ट पर पिकनिक मनाने आए लोगों पर टूटी बिजली। जयपुर में 16 लोगों की मौत। मरने वालों में टूरिस्ट और गाइड शामिल। जयपुर में राहत बचाव के काम में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। ड्रोन की मदद से आसपास के जंगल और पहाड़ियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 29 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। यूपी में बिजली गिरने से 41 लोगों की जान गई है। कानपुर में सबसे ज्यादा हुई है 18 लोगों की मौत। 12 लोग झुलसे। यूपी के कौशाम्बी में भी आकाशीय बिजली का कहर। 4 लोगों की मौत। 5 झुलसे।
पीएम मोदी ने राजस्थान समेत तीनों राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत पर शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कोविड मैनेजमेंट के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की विदेशों में तारीफ। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने की प्रशंसा। ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली ने अपनी ही सरकार पर चुटकी ली। पूछा, क्या आइवरमेक्टिन दवा की समस्या सुलझाने के लिए यूपी योगी को लोन पर देंगे? तारीफ के बाद यूपी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली को यूपी आने का दिया न्योता। यूपी के कोविड से निपटने के तरीकों को देखने को कहा। केली ने यूपी आने में जताई असमर्थता। कहा, ऑस्ट्रेलिया सरकार की नाकामी के कारण हम अपने घरों में कैद हैं। मैं सिडनी से बाहर निकलने में असमर्थ। कनाडा के निवेशक पैट्रिक ब्रॉकमैन ने भी योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की। कहा, योगी ने यूपी में कोविड को कंट्रोल किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की सीएम योगी से मुलाकात। यूपी पंचायत चुनाव में जीत की बधाई दी। देश में कोरोना के करीब 37,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 724 लोगों ने जान गंवाई। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। वैक्सीन की कमी के बाद दिल्ली के कई टीकाकरण केंद्र बंद हुए। लोगों ने कहा, वैक्सीन के लिए 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में अनलॉकिंग में आज से मिली और राहत। शिक्षा संबंधी ट्रेनिंग के लिए स्कूल और शिक्षण संस्था 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना के कई केस मिलने के बाद बीएमसी ने सील किया पृथ्वी अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग में रहते हैं डॉक्टर सुनील शेट्टी। मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मंडी में भारी भीड़, किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। दादर सब्जी मंडी में भी किसी को कोरोना नियमों की फिक्र नहीं। मंडी में लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होने के लिए नैनीताल बॉर्डर पर टूरिस्ट की चेकिंग। बिना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को भेजा जा रहा है वापस। सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग। नैनीताल में बिना प्रोटोकॉल माने बड़ी तादाद में बिना मास्क के लोग भी नजर आए। तिरुवनंतपुरम में केंद्र की 6 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। जीका वायरस को लेकर लिया अपडेट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ईडी के सामने पेश होने से वक्त मांगा है। कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। परमवीर सिंह ने ईडी से कहा उन्हें सर्जरी करानी है। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ने भेजा है समन। संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की। कहा, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने की व्यवस्था होगी। दिल्ली में फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का नया दाम 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। डीजल की कीमत 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। असम विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सत्र के दौरान असम में मवेशी संरक्षण बिल समेत 14 विधेयक पेश करेगी हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बैठक में मंत्री वीके सिंह भी थे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को कई सौगात दी। गांधीनगर और ककोल के लिए विकास योजनाओं का शुरुआत किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजनाथ सिंह के घर पर की मुलाकात। नए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे राष्ट्रीय अभिलेखागार, लिया पूरा जायजा। अश्विनी कुमार चौबे ने पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कामकाज संभाला। दफ्तर के बाहर पौधारोपण भी किया। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिले। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का पूर्व पोखरियाल के मार्गदर्शन से ही मिलती है प्रेरणा। लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की दिल्ली की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। रिपब्लिक डे पर हुई थी लाल किले पर हिंसा। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा जारी। कोरोना की वजह से इस वक्त आम लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के रूट पर कल रात 8 बजे तक कर्फ्यू लागू। लोगों से टीवी के जरिए भगवान की रथ यात्रा देखने की अपील की गई। अहमदाबाद में रथ यात्रा भी जारी। रथ यात्रा शुरू होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी ने भगवान का आशीर्वाद दिया। कर्फ्यू के बीच अहमदाबाद में शुरू हुई रथ यात्रा। कोरोना के कारण यात्रा के रूट पर आम लोगों को आने की इजाजत नहीं। 5 घंटे में पूरी होगी यात्रा। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की गई। शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। मंगला आरती में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर परिसर में हाथी को खाना खिलाया। वडोदरा में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हुआ। बिहार के हाजीपुर में डॉक्टर ने महिला से की रेप की कोशिश। विरोध करने पर डॉक्टर के लोगों ने महिला और उसके बेटे को सड़क पर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के मुंडका पीवीसी मार्केट में भीषण आग लगी। लाखों का माल जलकर राख हुआ। कई घंटे आज सुबह आग पर काबू पाने में लगे। दमकल की 60 गाड़ियां और 200 कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करनाल में ल्यूब्रिकेंट की फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया काबू। एमपी के ग्वालियर में हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 6 पिस्टल और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में विदेशी शराब की तस्करी के आरोप में शख्स गिरफ्तार। 1 करोड़ की अवैध शराब भी बरामद। मशहूर कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन ने रचा इतिहास। 5 क्रू मेंबर्स के साथ अपने वर्जिन गैलेक्टिक के विमान से अंतरिक्ष को छुआ। भारतीय मूल की इंजीनियर सिरिशा बांडला ने भी ब्रांसन के साथ भरी अंतरिक्ष की उड़ान। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद ये उपलब्धि करने वाली तीसरी भारतीय महिला।
यूरो कप के महामुकाबले में इटली बना चैंपियन, इंग्लैंड को पटखनी देकर यूरो कप खिताब पर कब्जा किया, पेनल्टी शूटआउट में नतीजा निकला। यूरो फाइनल के बाद लंदन के वेम्बले स्टेडियम में जमकर हुई आतिशबाजी। 1966 के बाद फुटबॉल का कोई बड़ा खिताब जीतने के इंग्लैंड के सपना हुआ चूर चूर। इटली की जीत पर रोम से लेकर मेलबर्न तक जश्न, मेलबर्न में हजारों फैंस खुशी से झूमे, जमकर आतिशबाजी हुई। लंदन में यूरो फुटबॉल के फाइनल के दौरान जमकर टूटे कोरोना के नियम, पुलिस के साथ कई जगह भिड़े फुटबॉल फैंस, कई लोगों की हुई गिरफ्तारी। जोकोविच ने जीता छठा विंबलडन खिताब, रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के फेडरर और नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी। विंबलडन खिताब जीतने के बाद बोले नोवाक जोकोविच, टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने की संभावना 50-50। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराया, सीरीज में 1-1 की बराबरी। आर अश्विन ने काउंटी क्रिकेट में सरे की तरफ से खेलना किया शुरू, पहले वो दिन डाले 28 ओवर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।